जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं और कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, कैसा रहेगा 2022 आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं? बहुत सारे सवाल माइंड में चल रहे होते हैं। क्या आपकी इस साल शादी होगी? क्या इस साल आपकी अच्छी जॉब लगेगी? आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इन दिस ब्यूटिफुल रीडिंग विद डिवाइन गाइडेंस। जी हाँ, डिवाइन गाइडेंस भी हम देखेंगे और रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट भी है। वो कैसे कि आपको अपना लाइफ पाथ नंबर चूज करना है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो ऐसे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका पूरा टोटल, मान लीजिए किसी का बर्थडे है 3 मार्च 1989, राइट? किसी का कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं। तो आपने कैसे उसका टोटल करना है? 3 प्लस 3, मार्च इज इक्वल टू 3rd month, सो 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9, ऐसे। सो दिस इज द टोटल और यही आपका लाइफ पाथ नंबर है। और अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाइए और सर्च कर सकते हैं, बट रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अपनी चाय या कॉफ़ी लेके आ जाइए और मेरे साथ इस रीडिंग को सुनिए और देखिए। और टाइम स्टैम्प जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं एज यूजुअल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। जी हाँ, ओके। सो नंबर 1, ओ माय गॉड, नंबर 1, जिनका भी टोटल नंबर 1 है, लेट मी टेल यू, अबंडेंस, डोर टू वैल्यू, डोर टू अबंडेंस, सम ब्यूटिफुल थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और अनलॉक हो रहे हैं आपकी लाइफ में डोर। अगर आप कुछ टाइम से, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आपकी लाइफ में कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, सो ये टाइम जो है वो आपके चेंजेस लेके आ रहा है और आएगा, इन दिस ईयर स्पेशली आई एम गेटिंग। एंड यस, मे बी स्प्रिंग टाइम्स, जब तक समर्स आती हैं, तो आई थिंक यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन फाइनेंशली। और अच्छा टाइम आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा और जानते हैं फॉर नंबर 1 पीपल। अगेन, जो व्हील जो आपके फेवर में वो टर्न हो रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ काइंड, इट्स गुड लक, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो तैयार हो जाइए फॉर नंबर 1 पीपल। ओके, आई थिंक फॉर नंबर 1 पीपल, ठीक है, देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ, अगर हम लव लाइफ की बात करें, शायद हो सकता है देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन या आप फेस कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक समथिंग लाइक दैट, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। बट मुझे ये भी लग रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है। मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, शायद आपको पता है, शायद आपको पता नहीं है, और कुछ ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट टोटली न्यू रिलेशनशिप कमिंग योर वे इन योर लव लाइफ, ठीक है, एक बिल्कुल ही नया रिलेशनशिप। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मनी, यू आर फोकसिंग ऑन मनी, यू आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ, स्टेबिलिटी, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट इफ़ यू आर सिंगल, मान लीजिए अगर आप सिंगल हैं नंबर 1 पीपल, तो शायद हो सकता है आपने पास्ट में हार्ट ब्रेक फेस किया हो या कुछ भी ऐसा चल रहा सिचुएशन, बट न्यू रिलेशनशिप कमिंग योर वे, लव कमिंग योर वे विद द किंग ऑफ कप्स, गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, यू मे गेट मैरिड एज वेल, डेफिनेटली आप मैरिड, आपकी मैरिज हो सकती है,
अच्छा हो सकता है। तो अगर कहीं कुछ लॉस हुआ है, अगर कहीं कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, तो सो डोंट वरी, बी पॉजिटिव। और जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, मैरिड हैं, अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट कि ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। हो सकता है आप अभी फ़िलहाल अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और करियर वाइज मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वेरी गुड चेंजेस कमिंग योर वे और यू विल बी एबल टू सेव। और मनी वाइज मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही इन मनी सेक्टर। चेंजेस आर कमिंग, यू नो, गुड चेंजेस आर कमिंग। और ऐसा हो सकता है कि बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या उससे पहले भी हो सकता है, तब तक हो सकता है कि आपका हार्ड वर्क जो आपने किया है, यू विल बी एबल टू रीप अवार्ड्स। तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, सो गाइडेंस के लिए जिन्होंने भी नंबर वन चूज़ किया है, मैं आपको यही बोलूँगी कि स्टॉप टेकिंग टेंशन, स्टॉप टेकिंग बर्डन। अगर आप अपने लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक हैं, या ऐसे लोग हैं आपके राउंड जो आपको टेंशन दे रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू रिलेशनशिप्स, और मे बी इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट यू नो फीलिंग दैट यू आर इनफ, या इट्स अबाउट मैच्योरिटी विद इन, ठीक है, अपने अंदर ही वो चीज़ लेके आना, नो यू कैन डू लॉट बेटर। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू ओनली, मतलब अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में बेहतरीन चेंजेस लेके आना, अपने आप को हैप्पी रखना और अपने आप लाइक डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम एनीबडी। तो ये सारी चीज़ें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं नंबर वन। सो ऑल इन ऑल, ओके, मैं कुछ और कार्ड भी पुल करना चाहूँगी बिकॉज आई एम फीलिंग लिटल एक्साइटेड फॉर ऑल यू पीपल। ओ माई गॉड, वी हैव द डिवाइन फेमिनाइन। अच्छा, अब ये कार्ड सोच के ये मत सोचिए, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट ऑफ लाइक यू नो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को, और इट्स अबाउट टोटल रिन्यूअल। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी कर रहे हों, आपने बिगिन कर चुका हो, वी हैव अ रेनबो, इट्स अबाउट रिवाइवल, इट्स अबाउट यू नो कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, एक नई एनर्जी, आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि शेड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो पुरानी लेयर्स। तो मुझे वो डिवाइन फेमिनाइन नज़र आ रही है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो जैसा मैंने आपको अभी बोला कि डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये नहीं है मेल और फीमेल, इट्स एनर्जी, हमारे अंदर एनर्जी होती है, ठीक है, हमारे अंदर शिव भी है, हमारे अंदर शक्ति भी है। तो वो जो शक्ति है वो आपको ग्राउंडेड, ऑप्टिमिस्टिक, क्लियर, यू नो, एंड वी हैव फ्रूट्स, वी हैव कनेक्टिंग विद द नेचर, गुड थिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू, सो अपने आप के साथ कनेक्ट करना सिखाती है। सो वेरी पॉजिटिव, नंबर वन, आई एम फीलिंग वेरी वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। सो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू नंबर वन पीपल। चलिए अब बात करेंगे नंबर टू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल overall, we will see overall energy for number two people. Okay, we have a heart, man holding a heart. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर टू लाइक जो भी लोग हैं, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट कनेक्शन। शायद हो सकता है कुछ लोग फेस कर रहे हो इमोशनल कोडिपेंडेंसी, और मे बी इट्स अबाउट कि फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हों, बट इन द कमिंग टाइम मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा मुझे इट्स अबाउट मैटर ऑफ हार्ट्स, यू नो, कनेक्टिंग विद योर लाइक यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद द राइट चॉइस इन योर लाइफ। आप कनेक्ट करना चाहते हैं विद द राइट पर्सन, और मुझे ऐसा लगता है इट्स स्टिल अबाउट होल्डिंग योर इमोशंस, राइट। तो ये सारी चीज़ें मुझे नंबर टू जो नंबर दो वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है। यस, मे बी हो सकता है आप पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, मे बी इट्स अबाउट स्टिल कई लोग हो सकता है पास्ट बर्डन्स कैरी कर रहे हों, या अब इमोशनल कोडिपेंडेंसी है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, ठीक है, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेट्स फाइंड आउट मोर। यू आर यंग, यू आर स्मार्ट, यू आर करिश्मेटिक, यू नो,
होल्डिंग अ रिंग और आपको नहीं समझ आ रही कि वो रिंग किसके पास जाएगी. डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लग रहा है इट्स अबाउट न्यू लव कमिंग योर वे इन दिस ईयर. ठीक है, न्यू लव एंड यस, चीज़ें हो सकता है ओवर हो चुकी हों या ऐसा कुछ हुआ हो, आप फेस कर रहे हो या फेस कर चुके हों. और अगर आप मैरिड हैं, अगर आप यू नो रिलेशनशिप में हैं, स्पाउस के साथ आप डील कर रहे हैं अपने, तो आई थिंक इट्स अबाउट इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस और मे बी पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, बट आई थिंक आप लोग उसको ओवरकम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है इफ़ यू आर सिंगल तो न्यू लव कमिंग योर वे. और मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में यंग हो, कुछ कह नहीं सकते, बट येस पॉसिबल है कि ये पर्सन आपसे यंग हो सकता है. अचानक हो सकता है कोई प्रपोजल आ जाए, तो नंबर टू यू बेटर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली आप, मुझे ऐसा लगता है कि यू वॉन्ट दैट लव इन योर लाइफ. आप वो वेट कर रहे हैं उस लाइक प्यार का, इजहार का, यू वॉन्ट टू कनेक्ट, यू नो लगता है आपको, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यस पेशेंस रख रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपसे और इंतज़ार नहीं हो रहा, दैट काइंड ऑफ लव. और करियर वाइज इट्स अबाउट अगेन मैनिफेस्टिंग. ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज अगेन इट्स अबाउट कि यू वॉन्ट सो मच, यू वॉन्ट द वर्ल्ड, यू नो आपको बहुत कुछ चाहिए एंड आप You want to stay happy, you want to feel connected और आप चाहते हैं कि लोग आपको प्रेस करें, आपको पहचानें, आपको जानें और आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं. आप वो चाहते हैं वो चीज़, यू नो दैट यू वांट दैट स्टेबिलिटी. इट्स नॉट अबाउट कि इधर 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 इधर, नो, यू वांट दैट लाइक कैसे ग्राउंडेड होना है, कैसे अपने करियर को स्टेबल करना है एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट. आप उस वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे. तो मान लीजिए आपने किसी अपील हायर अथॉरिटी में आपने कोई, जैसे कोई लेटर डाल रखा है या कुछ कर रखा है, आप अप्लाई कर रहे हैं या वॉट एवर, यू वेटिंग फॉर रिजल्ट, तो वो चीज़ें हो सकती हैं आपके हक में, बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव. उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ऑल इन ऑल मुझे करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है एंड लव लाइफ एज वेल. ओके, सो क्या गाइडेंस है फॉर नंबर टू पीपल? आई थिंक इट्स अबाउट, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना टेंशन ले लेते हैं, यू नो लाइक टेंशन लेते हैं, बड़ी जल्दी सोचने लग जाते हैं और मे बी यू आर पोस्टपोनिंग सम थिंग्स इन योर लाइफ. सो टेंशन लेना छोड़ना होगा. इट्स अबाउट कि बहुत टाइम हो गया, शायद आप अभी किसी एनर्जी में से बाहर नहीं आए हैं. कुछ लोग हो सकता है स्टिल अभी भी उस ब्रोकन हार्टेड एनर्जी में है. मान लीजिए किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया और आप वो सोचते रहते हैं, यू नो यू कीप ऑन थिंकिंग दैट वे. सो उसमें से बाहर निकलना होगा. यू हैव टू ब्रेक दैट साइलेंस और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसमें से आपको निकल के बाहर आना है, बिकॉज बाहर बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ नया है और आपके अंदर भी यू लाइक वो जज्बा आपको यू नो कायम करने की ज़रूरत है कि नो यू कैन डू इट और अच्छा है आपके लिए. सो लेट्स फाइंड आउट मोर कि नंबर टू के लिए व्हाट्स कमिंग अप. ओके, आई टोल्ड यू वी हैव मैनिफेस्टेशन, वी हैव मैनिफेस्टेशन. भाई अब सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए कि क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. आप न्यू लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो आपके लिए सही है या नहीं. ठीक है, और दूसरा ये कि आपकी चक्रास जो हैं दैट आर, आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन देम. कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट वेल्थ, इट्स अबाउट सक्सेस. ठीक है, तो इट्स अप टू यू. आई थिंक वो डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, वो मैनिफेस्टेशन वाले, और जो डिवाइन आप वो कनेक्ट कर रहे हैं, आप डिवाइन के साथ उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. सो अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं सो मैनिफेस्ट राइट थिंग्स इन योर लाइफ. और सोचिए, आज ही बैठ के सोचिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए Now we will talk about number three.
Let's see the overall energy for number 3. Okay, life path number 3. I think it's about शायद हो सकता है आपको सोशलाइज, यू नो, यू विल बी सोशलाइजिंग, यू विल बी मीटिंग लॉट ऑफ पीपल. मुझे ऐसा लगता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे आप काम कर रहे हैं और इट्स अबाउट ओपनिंग अप ऑफ दैट. और सन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. यू विल बी कमिंग इनटू योर फॉर्म. वी हैव आर्कएंजल शैमुएल, ठीक है, दैट फादरली एनर्जी. और मे बी आप अपने वो जो मैस्कुलिन सेल्फ के साथ कनेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं. येस, और इट्स अबाउट यू नो लाइक एक्टिवेट, शायद आपका थर्ड चक्रा जो है सोलर प्लेक्सिस चक्रा वो एक्टिवेट हो रहा है इस साल. सो बहुत सारे यू नो सोशलाइजिंग, मीटिंग न्यू पीपल और हेल्दी लाइफस्टाइल, फूड चेंजेस या बेटरमेंट की ओर आप बढ़ सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें मुझे नंबर 3 के लिए दिखाई दे रही हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, लाइफ पाथ नंबर 3. आई थिंक इट्स अबाउट, देखिए मुझे न्यू लव भी दिखाई दे रहा है और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट मे बी कुछ लोग हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज या मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइक एट सेम टाइम किसी से सेपरेट भी होना चाहते हैं. कुछ लीगल हो सकता है, ठीक है, लाइक कुछ लीगल हो सकता है. मे बी लव कनेक्शन है बट इट्स वेरी स्लो, इट्स नॉट वर्किंग. कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज है लेकिन स्टक है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डेफिनेटली आप न्यू लव या मैरिज, यू नो, अगर आप सिंगल भी हैं तो न्यू लव कमिंग योर वे. और इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है और आपके पास ऑप्शन है लेकिन यू नो स्टक है. सो ऑल इन ऑल ऐसा लगता है कि यस, लाइक हो सकता है कि भगवान आपकी सुन ले या आपकी जो प्रेयर्स है वो आंसर हो जाएं इन एनी कॉन्टेक्स्ट. मान लीजिए कि आप कुछ ठीक करना चाह रहे हैं या कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी आप प्रे कर रहे हैं, यू नो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तो जो आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप लाइक सच्चे मन से अगर हम किसी चीज़ में भी यू नो इंटेंशन पुट करते हैं तो वो होता है. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. हाँ, बट बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप सिंगल हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई कनेक्शन है और न्यू कनेक्शंस है भी, दिखाई भी दे रहे हैं मुझे और ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं. सो यू कैन गेट मैरिड नंबर 3, राइट. सो ऑल इन ऑल मुझे यही दिखाई दे रहा है. और अगर किसी का केस चल रहा है डिवोर्स एंड ऑल दैट, तो उसमें भी आई थिंक आपको न्याय ही मिलेगा. और दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. करियर वाइज आई थिंक यू विल बी फाइन, यू विल बी डूइंग गुड. आई थिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके तरफ. आप ट्रैवल बहुत कर सकते हैं. यू कैन सेव मनी बिकॉज मनी इज़ कमिंग विद एस ऑफ पेंटिकल्स. मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट. और न्यू प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, कुछ बाय कर सकते हैं, कुछ सेल नहीं, बाय. ओके, और मे बी प्रॉपर्टी, यू नो, समथिंग लाइक दैट. ओके, और आई थिंक जॉब है, लाइक यू विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड, यू विल बी लाइक कंटेंट. मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है नंबर 3 के लिए यही है. सो आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. थिंग्स विल इवेंचुअली गेट बेटर. और प्रे करना चाहिए, सबको प्रे करना चाहिए. और आई थिंक यू आर अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है. तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस है फॉर द नंबर 3 पीपल. और लगता भी है कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड हार्टेड पर्सन हैं. और ओके, नंबर 3, यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज, ठीक है. और लेकिन आपकी एक चीज़ है और वो ये है, आप उसे प्रॉब्लम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. और आई थिंक आप बहुत जल्दी कई बार हार मान जाते हैं एंड यू जस्ट सिट एंड से ओके लीव इट, होने दो जो हो रहा है. या यू नो जीत आगे है लेकिन आप हार मान लेते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर यू. तो नहीं,
ऐसा नहीं सोचिए, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है, यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। बी लिटिल केयरिंग, शो सम लव, और हो सकता है यू नीड टू बी इन दैट जोन, ठीक है, अपने जोन में आने की ज़रूरत है, थोड़ा खुश रहने की ज़रूरत है, आपके अंदर वो है वाइब्स, आपके अंदर वो प्यार है, ठीक है, तो वो प्यार थोड़ा बांटिए, थोड़ा कनेक्ट करिए, यू नो, अपने हार्ट स्पेस को लाइट अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं मतलब चश्मे लगा के आप बैठ गए हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं आपको समझ आती, अब यू नो एक्सप्रेसिव नहीं है, अगर मैं साफ भाषा में बोलूँ। एंड अगेन वी हैव अ ब्यूटीफुल कार्ड, वी हैव द मास्टर कार्ड, यू नो, तो दैट एनर्जी आपके अराउंड वो है, आपके अराउंड हो सकता है आपके किसी में विश्वास करते हैं, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, आप उनमें विश्वास करते हैं, तो उनको नमस्कार कीजिए, और वो एनर्जी आपको ऑलवेज प्रोटेक्ट कर रही है, सो डरना किस बात का। तो लेट्स सी नंबर थ्री के लिए और क्या है। वी हैव कमिटमेंट, ओके, देखिए आपके अराउंड कनेक्शंस हो सकते हैं, और मे बी इट्स अबाउट कमिटमेंट विद योर सेल्फ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू फील दैट कनेक्शन, यू फील दैट यू नो वाइब, सर्टन वाइब, हो सकता है आप सोचते हो किसी के बारे में, यू नो, या इंटीमेट, या काइंड ऑफ अ दैट फीलिंग आपके माइंड में आती हूँ, तो इट्स अबाउट कमिटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि येस, कुछ लोगों के लिए, देखिए अगर आप सिंगल हैं, मैं बार बार ये कह रही हूँ, दैट कमिटमेंट दैट यू नीड टू कमिट टू समबडी, या कमिटमेंट है कमिंग योर वे, और इट्स अबाउट मून, इट्स अबाउट स्टार्स, हो सकता है आपका कोई सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन हो, इक्वल लव, इक्वल बॉन्ड, मेंट फॉर ईच अदर, और जैसा आप सोचते हैं वैसे वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, सो इट्स ब्यूटिफुल पिक्चर परफेक्ट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, यू नो वो चीज़ हो सकती है, बट येस, और आप इमेजिन भी करते हैं शायद इस पर्सन के बारे में, तो ऑल इन ऑल मुझे दिख रहा है कि येस, अ कमिटेड रिलेशनशिप, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। ओके, तो ये थी नंबर थ्री, अब हम बात करेंगे नंबर फोर के बारे में। ओके, सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर नंबर फोर। थिंकिंग मैन, ओके, नंबर फोर, मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचते बहुत हैं, और इट्स अबाउट, ठीक है, लाइक यू थिंक अ लॉट, मे बी यू आर यंग, यू हैव दैट एनर्जी, यू नो, या हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेके, मान लीजिए कोई आपके फाइनेंसेस है, या वट एवर, थिंकिंग, प्लानिंग, यू नो, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है कि कैसे अपनी मनी को सॉर्ट आउट करें, इन्वेस्ट करें, और मे बी दिस, मे बी दैट, यू नो, शायद वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इस साल इट्स अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट स्ट्रेटजाइजिंग, इट्स अबाउट यू नो कोई चीज़ हो सकती है, या किसी चीज़ में टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यू नो, सोच विचार चल रहा है, तो ये चीज़ मुझे नंबर फोर के लिए दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, वी हैव रिकंसिलिएशन, अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी इट्स अबाउट कटिंग, लाइक ऐसे कोई कनेक्शंस हो सकते हैं आपके राउंड जहां आपको लगता है कि येस, इट्स बेटर टू कट ऑफ, ठीक है, नंबर फोर के लिए शायद हो सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है आप still you are somewhere expecting reconciliation, लेकिन मुझे ऐसा लगता है there is like some sort of ending as well. अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, सबको match करे ज़रूरी तो नहीं है, तो आपकी story ये है कि मुझे definitely दिखाई दे रहा है कि मे बी इट्स अबाउट सम चेंज, डेफिनेटली कोई चेंज आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट टोटली एंड ऑफ अ सिचुएशन, और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, और मीटिंग फ्रेंड्स, coming in your zone, or changes आ रहे हैं in your love life, in your, and you are, you know, participating or looking towards new, you know, so that kind of energy I am getting for number four people. You are into your zone, अपने ही zone में हैं आप, और
आई थिंक येस अगेन मैंने आपको बोला था ना दैट यू आर टेकिंग टाइम, यू आर थिंकिंग अलॉट. अभी आप फिलहाल हो सकता है कि साइलेंट हो, या अभी टाइम लेना चाह रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रहा हो, प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को. तो ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली मुझे दिखाई दे रही हैं. और येस अपने आप पे फोकस करना, यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस. Knowledge, you know, strength, power, and realizing that kind of a thing I'm getting for number four. Or career wise, I think it's going to be good, very good. With the sun card, positive, bright, or ho sakta hai, you are being strong in your zone. Or agar aap kisi cheez ke liye taiyari kar rahe hain, or good things are coming. Maan lijiye aap prepare kar rahe hain, exams de rahe hain, interviews de rahe hain. So I think it will be working for you, and you will be participating. और हाँ, ये ज़रूर है कि अपने fears को overcome कीजिए. हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको distract कर रही हों career में. कुछ लोगों के लिए हो सकता है it's about कि आपके personal issues आ रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है work place पे कोई conspiracy हो, career है अगर आपका, you know, so you want to, you know, travel to some place, you want to shift. या ऑल इन ऑल मुझे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं. और वट एल्स, आई थिंक येस ट्रैवल दिखाई दे रहा है नंबर फोर पीपल के लिए. ट्रैवलिंग टूवर्ड्स लाइक यू नो, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ा. और मूविंग टू अगेन, मूवमेंट है, काफ़ी मूवमेंट है, सम चेंजेस आर कमिंग. और ठीक है, हो सकता है कि आपने बहुत फेस किया हो इन लेटली, बट आई थिंक दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी अबाउट चेंज. It's about multitasking, it's about growth, ये सारी चीज़ें हैं. टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम इन चीज़ों को हो सकता है कि फाइनलाइज होते होते लग जाए, क्योंकि हमारे पास जो मेजर कार्ड है, जो यू नो, जो एनर्जी है, वही है कि आप सोच बहुत रहे हैं, यू आर टेकिंग टाइम इन थिंग्स, या चीज़ों को टाइम लग रहा है. ठीक है, तो क्या गाइडेंस है फॉर नंबर फोर पीपल? ओके, निराश ना हो, परेशान ना हो. जितना ज़्यादा अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे, अगर आप रोएंगे, अगर आप परेशान होंगे, तो वो एनर्जी ही आप अट्रैक्ट करेंगे. और जितना ज़्यादा आप कंटेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप में रहेंगे, यू नो, बिकॉज अभी आप फिलहाल कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, अपनी दोनों साइड्स को, एक स्पिरिचुअल साइड को, एक यू नो अपनी लाइक प्रैक्टिकल, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. लेकिन कहीं फिर से अगर पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, सॉरी, अगर कहीं फिर से वो चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, देन आई थिंक इट मे यू नो लाइक इट मे कॉज सम प्रॉब्लम्स, यू नो, कि आप आगे बढ़ना है तो पुरानी चीज़ों को भूलना होगा और पार्टिसिपेट करना होगा. सो गुड थिंग्स, यू नो. और लेट्स फाइंड आउट और क्या है विद अ स्पेशल कार्ड फॉर नंबर फोर पीपल. इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, बी क्रिएटिव. देखिए, विजन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसा फ्यूचर चाहते हैं, एंड यू नीड टू एक्ट अपॉन. अगर आप चीज़ें चाहते हैं, देन यू वॉन्ट टू, यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो विजन क्रिएट हो सकता है. आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचते बहुत हैं. सोचना अलग होता है, लेकिन एक विजन क्रिएट करना अलग बात होती है. दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं. सोचते तो हम रहते हैं, हम टेंशन लेते रहते हैं हर वक्त, अरे ये, अरे वो, अरे इसने ये कर दिया, अरे इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. लेकिन विजन क्रिएट करना, येस आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी लाइक दैट इन द कमिंग ईयर और इन कमिंग ईयर्स, दिस विल हेल्प यू आउट आई थिंक. एंड दिस इज़ वट वी आर हैविंग, वी आर हैविंग क्रिएटिविटी. तो जितना क्रिएटिव हो सकते हैं, दिस विल लीड यू, दिस विल टेक यू टू न्यू प्लेसेस, और ओपन होंगे न्यू डोर्स. वी हैव रेनबो, यू नो, वी हैव लाइट, वी हैव मून, वी हैव सन. तो वहाँ पहुँचिए, माइंड में वो पिक्चर क्रिएट कीजिए वट यू एक्चुअली वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड अगर आप समझें तो. एंड मे बी वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन हियर विद नंबर फोर पीपल, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट. देयर इज़ अ कनेक्शन अराउंड यू. मे बी हो सकता है आप हील करना चाहते हैं, मे बी ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, बट एक जो पर्सन है, आई डोंट थिंक कि वो उस जोन में, वो डार्कनेस में है.
आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, कोई है जो डार्कनेस में है, मे बी दिस पर्सन इज़ हैविंग अ बियर्ड और आई डोंट नो, एंड देर इज़ लव बट कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, यू नो, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, कोई इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना चाह रहा, कोई कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, यू नो, दैट काइंड ऑफ, तो उस कैंडल को जगाने की ज़रूरत है. यू नीड दैट हीलिंग, यू नीड दैट लव. मुझे नहीं पता ये आपके बारे में है, आपके आपके किसी नोन के बारे में है. हु नीड्स दिस बट कम आउट ऑफ दैट डार्कनेस. वी हैव ब्यूटिफुल मैसेजेस फॉर नंबर 4. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 5. देखते हैं 5 की ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर दिस ईयर. वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, देखिए जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ द फियर जोन और लाइक बींग लाइक बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव नंबर 50 है ना, तो वो भी तो 5 ही हुआ ना, तो इट्स अबाउट कि आप अपने जोन में आ रहे हैं, आप वो स्ट्रेंथ इस साल मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर वो करेज आ रही है, वो हौसला बिल्ड हो रहा है और आपके जो एंजल्स हैं वो इसमें आपका साथ देने वाले हैं. यू आर स्टेबल नाउ, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, यू आर फीलिंग स्टेबल और एंड मोर काइंड ऑफ यू नो पावरफुल इन योर ओन सेल्फ, इन योर ओन स्किन, जैसे भी हो. तो ये चीज़ें मुझे नंबर 5 के लिए दिखाई दे रही हैं. चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी. ओके, नंबर 5 वी हैव मैनिफेस्टेशन. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक कनेक्शन, ठीक है, यस, और अ न्यू कनेक्शन. ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हो, थर्ड पार्टी इश्यूज हो, या चीज़ें स्मूथ ना रही हो, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं. देखिए अगर आप कनेक्शन में है ऑलरेडी है तो आई थिंक देयर इज लाइक थर्ड पार्टी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं और मे बी किसी के पास ऑप्शन है, बट स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग, यू नो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ मतलब इन चीज़ों को शायद हो सकता है ठीक करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू बी एज स्ट्रांग एज पॉसिबल इन दिस कनेक्शन. और अगर आप सिंगल हैं तो आई थिंक न्यू लव, ये चीज़ें हो सकती हैं, मे बी न्यू कनेक्शन और इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑप्शन, या आप स्पेसिफिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक कि नो आई वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ओनली, आपके लवर, आपके सोलमेट, काइंड ऑफ दैट एनर्जी. कोई अच्छा एक चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, बट स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ है, क्यों, क्योंकि वो मैरिड है, तो ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, बट नेवर माइंड. आई थिंक उस चीज़ पे मुझे ऐसा लगता है एक एक पर्सन की साइड से रिफ्यूज़ल है, शायद हो सकता है रिफ्यूज़ल है कि नो. सो ऑल इन ऑल यू शुड ओनली मैनिफेस्ट लव rather than manifesting a specific person, मैं यही कहूँगी, क्योंकि you never know आपके लिए क्या अच्छा है. ठीक है अगर आप married हैं, you can heal your connection, आप अपने partner को भी heal कर सकते हैं, you can be as strong as possible. Okay, career wise मुझे balance आता हुआ नज़र आ रहा है. you will be in a very good space, थोड़ा patience रखने की ज़रूरत है, but you will be in a better space, things will eventually get better. और आप अगर जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप करियर में किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब प्रोफाइल का वेट कर रहे हैं, तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा, हो सकता है, यू नेवर नो आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आप जाएंगे, चेंजेस आएंगे, यू नो, विद द एट ऑफ वॉन्ट्स वो चीज़ आपकी तरफ आ सकती है. सो पेशेंस इज मस्ट. और मैं यही कहूँगी कि ठीक है अपने जोन में रहिए, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए. चलिए लेट्स, ओके, फर्स्ट वी नीड टू पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस. क्या गाइडेंस है फॉर नंबर 5. यू नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स. वी हैव अगेन, वी हैव करेज. अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अवेकनिंग, आपको इट्स हाई टाइम, आपको अंदर लाइक कॉलिंग आ रही है दैट यू नीड टू अवेकन, आपको अपने आप को सोचने की ज़रूरत है. कुछ लोग हो भी चुके हैं अवेकन, ठीक है, ओके.
कुछ चीज़ों को लाइफ में टाइम लगता है, और आपकी लाइफ में हो सकता है कि अब इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ थिंग्स। आपकी लाइफ में कुछ है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, वो क्या है वो आपको समझना है। क्या कोई फाइट है जो लेट गो करना है, कोई बैड कोई थॉट्स हैं जो जिनको लेट गो करना है, या आपकी खुद की हैबिट्स हैं, या कोई ऐसी सोच है, या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, या कोई पास्ट हर्ट्स हैं। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, बिकॉज मुझे पास्ट, यू नो, आप पास्ट कुछ बर्डन्स कैरी कर रहे हैं, सो इट्स टाइम कि आप उसे रिलीज करें सो दैट आप आगे की तरफ बढ़ सकें। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर नंबर 5। ओके, लाइफ पर्पस, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। देखिए, यू आर इन टू अ जोन जहाँ पे आप लाइक यू आर फीलिंग लाइट। आई थिंक यू आर फीलिंग लाइट, यू आर कनेक्टिंग, यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, यू आर लाइक आप डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं लाइफ के। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि आपको अब समझ आएगा कि आपका ट्रू लाइफ पर्पस क्या है, बिकॉज वी गॉट अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग ऑल्सो। तो कुछ लोगों को हो सकता है ये समझ आए कि आपका ट्रू पर्पस क्या है लाइफ में। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ ओल्ड, यू नो, जो भी ओल्ड चीज़ें हैं, शेडिंग द लेयर, ओल्ड लेयर, ठीक है, वो आपको पता है, आपकी लाइफ है। हम सबसे ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट करते हैं जब हम बैठते हैं, अपने से कनेक्ट करते हैं जब हम बात करते हैं, यू नो, वी गेट द आंसर्स। तो वो कीजिए, बैठिए और सोचिए ऐसी क्या चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट रन अवे फ्रॉम कनेक्शंस, लोगों को बिट्रे कर दीजिए, दिस एंड दैट, नो। इट्स अबाउट नोइंग कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ा सकता है, बिकॉज वी हैव दैट पर्पस। का मतलब ही ये है दैट यू यू बी दैट लव, और वो वाइब्स क्रिएट कीजिए और स्प्रेड लव इन लाइफ, ठीक है। अपना ट्रू पर्पस जानिए लाइफ का, जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं। 6 नंबर, ओके, नंबर 6, इट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। वी हैव नंबर 7, स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिटी। ओके, यू आर इन टू अ जोन जहाँ पे आप बहुत आगे करना, आपके अंदर एक वो चीज़ है, यू नो दैट यू वॉन्ट टू लाइक, बहुत एक चीज़ है कि आप देखते हैं, नो आई वॉन्ट टू बी देयर, बट फॉर दैट यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। आप जहाँ हैं आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं, बट नीड टू अप्रिशिएट, बिकॉज अभी भी आई डोंट थिंक कि कोई कमी है अगर आप आंखें खोल के देखें, यू नो, विद द गॉड ऑफ ग्रेस। ओके, ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है कम्युनिटी, कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड पीपल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गेटिंग मैरिड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा कोई एटमॉस्फियर जहाँ आप बिल्कुल अपने लाइक माइंडेड पीपल, यू नो, लाइक माइंडेड पीपल। इसका क्या मतलब है कि जैसी सोच आप रखते हैं आप वैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एंड इट्स अबाउट एक्सपेंशन, इट्स अबाउट लाइक फ्रूटफुल, यू नो, इन द गुड सेंस। आप अच्छे लोगों से मिल रहे हैं जहाँ आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर नंबर 6 पीपल, इट्स अ गुड थिंग। आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, एंड नंबर 7 इज सो स्पिशियस, ठीक है। ऑल दो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 6, बट यू गॉट अ नंबर 7। तो कम्युनिटी, यू नो, स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट साइलेंस, इट्स अबाउट बीइंग क्लोज्ड ऑफ फॉर अ टाइम। यस, मुझे हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स ओके, यू आर क्वीन। तो आप शायद, हो सकता है, प्लीज़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर हियर, ठीक है, आप मेल भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट टेकिंग टाइम, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को, अपने आप में टाइम लेना, ठीक है, कि नो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर कुछ टाइम के लिए चीज़ आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल बिकॉज यू वॉन्ट टू मीट अ लव ऑफ योर लाइफ। That soulmate energy, that love is energy, and love is not that easy. Especially the true love is not at all that easy as we think.
कोई बात नहीं, अगर भगवान किसी चीज़ के लिए टाइम ले रहा है तो आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको आप राइट पर्सन के साथ मिलवाएं। और अगर आप कपल हैं, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप किसी के कनेक्शन में हैं तो इट्स ओके। आई थिंक कुछ टाइम ऐसा है बट आगे चल के चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप किसी अच्छी ऐसी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो करते जाइए। इट विल लीड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ। करियर वाइज आई थिंक अगेन यू नीड टू पे कीप सम पेशेंस। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट शायद हो सकता है कि आप आगे यू विल बी इन अ लॉट बेटर स्पेस बिकॉज वी हैव दैट एम्परर कार्ड। अब एम्परर का मतलब ही यही है दैट अचीवमेंट, बिल्डिंग अप, यू नो। हो सकता है कुछ अपना कर रहे हो, कुछ अपना बिल्डअप कर सकते हैं या सोच सकते हैं। यस, यू नो, लाइक किंग, लाइक क्वीन, अपने ही जोन में यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग कि नो, मुझे ये करना है और वो अचीव आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो अगर चीज़ें आपकी अभी नहीं उस तरीके से काम कर रही हैं तो डोंट वरी, बिकॉज मुझे लगता है कि गॉड हैज़ स्पेशल प्लान्स फॉर यू। तो चिंता मत करिए, चिंतन करिए, ठीक है, फॉर दैट वाइल, उस टाइम तक के लिए। क्या गाइडेंस है फॉर नंबर सिक्स? अगेन वी हैव क्वीन, ठीक है, डोंट वरी, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, मैंने आपको बोला था, एंड यू आर नॉट अलोन, यू आर वॉकिंग द पाथ। वो लाइट को फॉलो करती जाइए जहाँ वो आपको लेके जा रही है। अभी शायद हो सकता है आपको कुछ ना दिख रहा हो, अभी हो सकता है कि यू नो, बट डेफिनेटली कहीं से कहीं आपको वो, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आपको पता हो दैट यू आर ऑन द पाथ, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि यू नो, वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग जिनके अंदर वो जज्बा होता है ना, जितना मर्जी अंधेरा हो, वो छोटी सी लाइट को फॉलो करते हुए वो वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर नंबर सिक्स पीपल। ओके, वी विल पुल अ स्पेशल कार्ड फॉर नंबर सिक्स। कमिटमेंट, मैंने आपको बोला था इट्स अबाउट कमिटमेंट विद योर सेल्फ। ओके, आई थिंक अभी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जहाँ आपको लगता है कि कोई आपको कोई हेल्प नहीं है, आप इमोशनल हैं, यू आर ड्रोन्ड अवे, आप रो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बट कोई बात नहीं, आप अपने आप को उठाइए अपने आप को, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स। हाथ पकड़िए, आपका हाथ कोई पकड़ना चाहता है, उसको होल्ड कीजिए, उसको महसूस कीजिए, सोचिए कि दैट यू आर गेटिंग हेल्प, यू नो, होल्ड दैट हैंड, तभी तो आप उस अंधेरे में से निकलेंगे। एंड देन वी हैव कमिटमेंट, ब्यूटीफुल कार्ड। इट्स अबाउट, दो तरह की कमिटमेंट होती है, इट्स अबाउट कि किसी के साथ, और एक होती है जो अपने साथ, अपने भगवान के साथ कमिटमेंट। तो आई थिंक वो चीज़ें आ रही हैं। एंड ट्वाइस वी गॉट दैट कार्ड, कम्युनिटी, देन वी हैव कमिटमेंट, यू नो। तो सिमिलर से वर्ड्स हैं, कनेक्ट कीजिए। आई डोंट नो, शायद आपको मेरी रीडिंग से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या आपकी लाइफ में भी आपको साइंस दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, तो इट्स अबाउट दैट, यू नो, कि आपको कुछ शो हो रहे हैं कि आपको अब एक्शन लेने का टाइम है, आपको कुछ करने का टाइम है, और सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ कमिटमेंट, एंड देन मूविंग इन लाइफ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नंबर सेवन। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर नंबर सेवन पीपल। Oh my God, we have new doors to romance. So, दरवाजे खुल रहे हैं लव के लिए, रोमांस के लिए, और न्यू लव, और मे बी इट्स टाइम टू ओपन अप द डोर, और पर्सनल हीलिंग। आप उस स्पेस में हैं ऑलरेडी, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, डोंट ऑलरेडी आपके लिए वो जो पर्सनल हील, यू नो, कम्प्लीटली हील्ड मुझे लग रहे हैं, या हील कर रहे हैं अपने आप को, आपको हेल्प मिल रही है, प्रोटेक्टेड। नंबर सेवन वी हैव, ठीक है, और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक आई एम गेटिंग नंबर 33, हो सकता है आप देखते हो ये नंबर, और मे बी योर सोलमेट इज़ कमिंग, लव इज़ कमिंग, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, सेल्फ लव, वट एवर, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वी हैव पेटल्स, वी हैव लव, और दिस इक्वल्स टू नंबर सेवन एज वेल। तो आई थिंक आप
अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड अपने पाथ पे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। इवन आई एम एक्साइटेड। न्यू लव इज कमिंग, येस, और मे बी अ कमिटमेंट इज कमिंग, और मे बी अ स्टेबल कनेक्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वेट कर रहे हैं शायद आप, और वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, अ कमिटमेंट, बिकॉज यू आर अ क्वीन, आप उस जोन में हैं, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, थिंग्स आर कमिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आई थिंक यू आर टोटली सिंगल, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है दैट यू आर सिंगल, और मे बी अगर सिंगल है, अगर आप कमिटेड भी हैं तो आई थिंक मनी इज़ कमिंग, यू आर फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ, मनी, लव इज़ ऑल्सो, लाइक लव सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं, बट आई थिंक न्यू लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कमिटेड रिलेशनशिप कमिंग टूवर्ड्स यू, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और अगर करियर वाइज बात करें, इट्स अबाउट एक्सपेंशन, इट्स अबाउट ग्रोथ। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, बिकॉज यू आर अ स्टार, यू आर डूइंग वंडरफुल। तो परेशानी किस बात की, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत कभी कभी यू नो बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मनी इज़ कमिंग योर वे। किस बात की टेंशन, बिकॉज इमोशंस, यू नो इमोशंस रन हाई एंड यू फील दैट ओवरवेलमिंग सिचुएशन, ठीक है ना। तो वो चीज़ मुझे नंबर 7 के लिए दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो कि वॉकिंग योर पाथ, ठीक है, लाइक आप और आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर, आई वॉन्ट टू मूव अहेड। कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही ग्रोथ होती है। तो ज़्यादा लालच भी नहीं करना, ग्रीडी भी नहीं होना। इट्स योर स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स योर पाथ, आप यू आर मेंट टू बी हियर, जहाँ आप हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, और आगे भी जो होगा करेक्ट ही होगा। सो क्या गाइडेंस है फॉर नंबर 7 पीपल, गॉड इज विद यू, डिवाइन इज विद यू। ओके, वाई 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 यू आर सफरिंग, वाई यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट पेन, यू आर इन टू दैट जोन, आपको पता है, आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप यू आर इन टू दैट जोन एंड यू फील दैट एनर्जी, देन वाई यू नो टेंशन, अगेन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, क्यों इतना टेंशन लेनी है भाई। और यू नो बस मुझे एक ही चीज़ कहनी है, एक ही गाइडेंस देनी है कि अच्छी हैं सब चीज़ें, अच्छी हैं भाई, टेंशन लेना बंद कीजिए, पैनिक होना बंद कीजिए, एंड दिस इज़ इट, आपके लिए मैं यही कहूँगी। और अगर अभी नहीं ऐसा लग रहा तो आगे हो जाएंगी। ओके, देखिए डोंट बी इन अ लो जोन, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है नंबर 7 पीपल। वाई यू गेट लो, आप जहाँ से शुरू हुए हैं, ठीक है, डोंट गो दैट देयर, लाइक यू आर नॉट, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं, यू आर अ फेमिनाइन, यू आर डिवाइन फेमिनाइन, या मैं जो भी आपकी यू नो रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, आई थिंक इट्स अबाउट वो जो एनर्जी है आपके अंदर वो टोटली फ्लो हो रही है, लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वाई डोंट गेट डिस्कनेक्टेड, आपके अराउंड जो एनर्जी है उसको फॉलो करते जाइए, मैं यही बोलूँगी आपको। प्लीज़ डोंट बी इन अ लो जोन, डोंट बी इन दैट जोन। ओके, अब हम बात करेंगे नंबर 8 की, जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 8 है, लेट अस टॉक अबाउट यू नाउ। अब हम ओवरऑल और सॉरी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर नंबर 8। मैं एक कार्ड पुल करने वाली थी एंड आई गॉट 2 कार्ड्स, पेशेंस, एंड देन वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। आई थिंक यू नीड टू ओपन अप। वी हैव नंबर 51, इसका क्या मतलब है, हीलर, यू आर गोइंग टू हील, आपके अराउंड ऑलरेडी वो एनर्जी है, ऑलरेडी वो एनर्जी आपके अराउंड है। मे बी आपके पास कोई है जिनमें आप बिलीव करते हैं, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, जो भी हैं, वो एनर्जी ब्यूटीफुल है और आप रियलाइज़ कर रहे हैं, या सर्टेन एनर्जीज हैं, ठीक है, पेशेंस रखिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से यू, कि अपने आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, यू नीड टू यू नो कनेक्ट विद, और
अंडरस्टैंड कीजिए आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हैं. स्पीक अप, बोलना सीखिए. यू नो, शायद हो सकता है कि आप अपने मन में दबा के रखते हैं, बोल नहीं पाते हैं. और विद पेशेंस, विद टाइम, आई थिंक आपकी सोच से भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है जो भी कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, चाहे करियर है चाहे लव लाइफ है. सो नंबर 8, ओके, अगेन वी हैव न्यू लव. नंबर 8, सम न्यू लव इज कमिंग योर वे. और कोई मैसेज, कोई कॉल, मुझे नया न्यू लव ज़्यादा दिखाई दे रहा है. इफ़ यू आर मैरिड देन इट्स अबाउट यू नो पार्टनरशिप, इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट यू नो हो सकता है कि आप कुछ मिलके कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं और मे बी यू नो लाइक घर बाय कर सकते हैं और मे बी इट्स अबाउट फाइनेंसेस, यू नो बेटर फाइनेंसेस, ये चीज़ें हो सकती है. अदर देन दैट इफ़ यू आर सिंगल तो आई थिंक न्यू लव इज़ कमिंग, कमिटेड रिलेशनशिप कमिंग. यू आर इन अ गुड स्पेस राइट नाउ, अच्छा कर रहे हैं. यू आर लाइक एन एम्प्रेस, वी हैव दैट एम्प्रेस एनर्जी. और मे बी आप मैरिड हैं या जो भी है. सो ऑल इन ऑल मुझे गुड एनर्जी दिखाई दे रही है. लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग और लव सेक्टर में भी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है. करियर, अगेन वी हैव एक्सपेंशन, वी हैव ग्रोथ. और अगेन नंबर 8 पीपल, आई थिंक इट्स अबाउट स्टार इन द मेकिंग. क्या बोलूँ आपको कि परेशान मत होइए. आपका एक स्पिरिचुअल पाथ है, उसको फॉलो कीजिए. यू नो यू नीड टू फॉलो दैट पाथ. हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं. आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फील कंटेंट, फील हैप्पी वेयर यू आर. यू नो आपको सोचना है कि येस यू आर फीलिंग ओके, यू आर फाइन. जो जहाँ आपकी जर्नी है आप जा रहे हैं तो पेशेंस रखिए. अगेन मैं यही बोलूँगी, विद टाइम आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं. यू नो तो परेशानी, जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करेंगे, बस मैं ये बोल रही हूँ. ट्रैवलिंग दिख रही है ज़रूर, मूविंग टू डिफरेंट सिटी, डिफरेंट प्लेस, ये चीज़ें हो सकती हैं. ओके, वॉकिंग अ पाथ, वॉकिंग यू नो आपकी जर्नी है. वाई सफरिंग, यू नो आपकी लाइफ में जो चैप्टर, वो जो मिसिंग पीसेस हैं वो अपने आप दे आर कमिंग टू प्लेस. यू नो तो आपको आगे बढ़ना है, आपको फोकस करना है. फॉलो करते जाइए लाइट को, बैलेंस योर सेल्फ. वी हैव यिन एंड यांग. ओके, सो अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू. आई थिंक रोने धोने से कुछ नहीं होगा. अगर आप सफ़र करते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, नो यू, आपके अराउंड वो मेच्योर एनर्जी है, होल्ड ऑन टू दैट. उसको फील कीजिए, कनेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड कर रहे हैं. ओके, देन वी हैव बाउंड्रीज. अच्छा, आप क्या चाहते हैं इन अ कनेक्शन, आप क्या चाहते हैं इन योर लाइफ. मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यू विल बी सेटिंग अप दैट बाउंड्रीज, कि वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट इन योर लव लाइफ, चाहे करियर है चाहे लव लाइफ है. सेटिंग अप दैट बाउंड्रीज, यू नो कि आपको चाहिए क्या है. यू विल बी स्ट्रांग, यू विल बी कॉन्फिडेंट, और ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं. मनी वाइज ऑल्सो यू विल बी इन अ लॉट बेटर स्पेस. और इट्स अबाउट यू हैव दैट करिश्मा. ठीक है, वी हैव आउल अगेन, अ सिम्बल, यू नो सिम्बल ऑफ लाइक मनी एंड वेल्थ एंड ऑल दैट. सो अगर जो भी, चाहे आपके कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस ही क्यों नहीं है, आई थिंक यू विल बी इन अ लाइक वेरी कॉन्फिडेंट स्पेस जहाँ आपको पता है कि अ वेरी मैच्योर पर्सन, येस यू वॉन्ट दिस फ्रॉम योर लाइफ. ये चीज़ें मुझे नंबर 8 के लिए दिखाई दे रही हैं. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 9. ओके, वी हैव द मैजिशियन. क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? बिकॉज जो आप सोच रहे हैं वो हो सकता है आपकी लाइफ में. तो क्या चाहते हैं ये बताइए. ठीक है, मिरर मिरर ऑन द वॉल, वी हैव दैट मैजिशियन कार्ड. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़. ठीक है, तो आप मैनिफेस्टेशन, आई थिंक आपकी, आप जो सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ सकता है, चाहे वो लव है चाहे वो करियर से रिलेटेड है. तो नंबर 9 के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है. ओके, लव लाइफ में व्हाट्स कमिंग, आई थिंक ओके
कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, शायद हो सकता है आप परेशान हैं अभी, अपनी लाइफ में परेशानी फेस कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स अबाउट लाइक वेटिंग, यू नो, लाइक होल्डिंग ऑफ इमोशंस, वेटिंग बिकॉज सिचुएशन जो है वो इन एंड आउट है, वॉकिंग अवे, समबडी इज़ वॉकिंग अवे, शायद हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, और बैलेंस, एक शायद हो सकता है एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, मे बी हो सकता है इस पर्सन के साथ, या मे बी इट्स अबाउट विद योर सेल्फ ओनली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कनेक्टिंग लाइक यू नो बैलेंस। अच्छा, और अगर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कनेक्शन हो सकता है जहाँ आप डिफरेंट सिटी है या कंट्री में है और ये पर्सन डिफरेंट, यू नो, कहीं ऐसा, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, तो ये भी प्रॉब्लम आपको शायद हो सकता है दे रहा हो, तो इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, बी लाइक, यू नीड टू बी लाइक थिंक ट्वाइस कि आप क्या चाहते हैं, आप लव लाइफ में क्या चाहते हैं, वेदर यू वॉन्ट न्यू लव, वेदर यू वॉन्ट स्टेबिलिटी, वट यू वॉन्ट, बिकॉज ठीक है, लाइक योर विश विल बी ग्रांटेड, यू नो, अगर आप जो चाह रहे हैं आपकी वो जो विश है वो ग्रांट होगी, लेकिन द थिंग इज़ आई एम गेटिंग दैट थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, शायद हो सकता है देयर इज़ समथिंग एल्स गोइंग ऑन, आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आपको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 9 लोगों के लिए, ठीक है, इन लव लाइफ। क्लोज्ड ऑफ, मुझे वो क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है किसी की तरफ से, मतलब ओपन अप नहीं होना, या मतलब साइलेंट रहना, या समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, शायद आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल दिखाई दे रहा है, और पेशेंस, कोई यहाँ पेशेंस रख रहा है, ठीक है, कि क्या किया जा सकता है, बिकॉज इट्स ट्रिकी, एक ट्रिकी सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस, आई थिंक किसी को अपने आप पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले somebody needs to work, अपने आप पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर वाइज, ओके, आई थिंक आफ्टर अ बिट्रेयल चेंज आएगा, और हो सकता है कि इन द कमिंग टाइम, या मे बी अक्टूबर नवंबर तक, या उससे पहले भी हो सकता है, गुड चेंजेस कैन कम, और कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, यू नो, दैट यू विल बी फीलिंग कि नहीं, आई एम नाउ लाइक आई एम फाइन, यू नो, यू विल बी इन अ गुड स्पेस, यू विल बी एबल टू स्पेस सेव, आप सेव कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे, ग्रोथ, अगेन वी हैव अ एम्प्रेस कार्ड, सो ऑल इन ऑल मुझे वो ग्रोथ, वो एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द नंबर 9, उनके करियर के लिए और उनके लव लाइफ के लिए। लेट अस पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव सेलिब्रेशन, वी हैव एडवेंचर, स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस, अगर आप कोई अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं ना, तो उसमें से बाहर निकल जाइए। सबसे पहले आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आई थिंक नंबर 9, क्योंकि मैं अभी भी आपको बोल रही थी, यू नीड टू, यू नो, अंडरस्टैंड, यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ। देन वी हैव एडवेंचर, एक रेनबो, एक लाइट है, एक पाथ है, उस पर एक बच्चा छोटा सा चल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, यू नो, लाइक चाइल्डहुड वॉन्ट्स हो सकते हैं जो आप उसमें से निकल नहीं पा रहे, सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखिए, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लव लाइफ है, अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बी एज फ्रेंडली एज यू कैन, आप जितना ज़्यादा अपने आप के साथ और अपने अराउंड लोगों के साथ फ्रेंडली रहेंगे, उतना आप अच्छा एटमोसफियर क्रिएट करेंगे। ओके, वट एल्स इज कमिंग फॉर नंबर 9 पीपल दिस ईयर? सोलमेट, ओके, देखिए एनर्जी है सोलमेट की आपके राउंड, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे भी 2 of Cups है, यहाँ पे भी, सो हो सकता है कि आप ऐसा कोई कनेक्शन है जो आप बिल्डअप करना चाहते हैं, या आप वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई ये कनेक्शन आगे बढ़े, और किसी, यू नो, किसी का वेट कर रहे हैं, या अपनी लव लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, आपको एक वो फ्रेंडलीनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, उस
जब हम एक सोलमेट कनेक्शन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम खुद होते हैं वैसा ही हम पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगेन सोचिए कि क्या चीज़ है, यू नो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन एंड देन वी हैव। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू सोलमेट कमिंग इन, लव कमिंग इन, ठीक है, कनेक्शन अच्छे हो रहे हैं, आगे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और हो सकता है देर विल बी यू नो लाइक गुड टाइम्स अहेड। कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कनेक्शन आगे बढ़ सकते हैं, गुड एनर्जी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लाइफ पाथ के अकॉर्डिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।